हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन इन योर चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। एंड लगातार आपको अपडेट दी जा रही है रिगार्डिंग पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी स्पोर्ट एडमिशन, पटना यूनिवर्सिटी स्पोर्ट एडमिशन। एंड जो पटना यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट एडमिशन के प्रोसेस तो समटाइम अभी छठ पूजा तक पोस्टपोन्ड है, लेकिन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट एडमिशन का आज आखिरी डेट है। मीन्स ऑफर लेटर भी जमा करने का आखिरी डेट है और अप्लाई करने का भी आखिरी डेट है। ये तो रेगुलर कोर्स के बारे में बात है। उधर वोकेशनल कोर्स की जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो आ चुकी है एंड उसके अकॉर्डिंग भी आज फी पेमेंट करने का आखिरी डेट है। अगर आज आपका फी पेमेंट नहीं होता है देन फिर आपका जो एडमिशन है उसे नाम हटा दिया जाएगा एंड फिर आपको भी ट्राई करना होगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वोकेशनल के स्पोर्ट एडमिशन में, अगर आपका चॉइस वगैरह का फिलअप का कंडीशन नहीं है तो। उधर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट एडमिशन में रेगुलर कोर्स के कई सारे कॉलेज ने मेरिट लिस्ट को जनरेट कर दिया है, जिसमें आरकेएस कॉलेज, बीडी कॉलेज, टीपीएस कॉलेज, ये सारे ऐसे कॉलेज हैं, जैसे रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज, बीडी कॉलेज, टीपीएस कॉलेज, ये सारे स्पोर्ट एडमिशन के जो मेरिट लिस्ट हुए उसको भी पब्लिश कर दिए हैं स्टूडेंट के लिए। इसके बाद स्टूडेंट को पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट करके एडमिशन को कन्फर्म करना होता है। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने आरकेडी कॉलेज, बीडी कॉलेज के सारे इन्फॉर्मेशन को कवर कर चुके थे एंड आज के वीडियो में हमको टीपीएस कॉलेज के भी न्यूज़ को कवर करना है, प्लस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग क्या सारा कुछ न्यूज़ आया है पेपर के माध्यम से उसे भी आपके लिए कवर करना है। इसके बाद सारे इन्फॉर्मेशन को कंक्लूड करते हुए नेक्स्ट प्रोसेस को, क्या स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, इसके बारे में भी हम लोग को डिस्कशन करना है। तो चलिए वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं। बट आपको बता दीजिए, जो सारा आपका मेरिट लिस्ट वगैरह आ रहा है ये सारा हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, देन आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए ताकि आपको सारे अपडेट मिल सके। उधर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड एएन कॉलेज के अभी तक स्पोर्ट एडमिशन का जो मेरिट लिस्ट है वो नहीं अभी तक प्रिपेयर हुआ है और इस बात का जरूर मेंशन किया गया है कि सीट तो कम रहा है लेकिन मेरिट लिस्ट आ नहीं रहा है। तो ये सीट का कैलकुलेशन कहाँ जा रहा है, जिससे आपकी जो चिंता है वो बढ़ जाती है कि कहीं करप्शन के माध्यम से कहीं सब एडमिशन नहीं हो जाए एंड हमारा एडमिशन यूँ ही रह ना जाए। ऐसी आपको सिचुएशन आपके मन में आ रही होगी, बट जो भी है ऑथेंटिक होगा, ऐसा नहीं है कि वैसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। बट आपको ऐसे कंटेंट पे बिलीव नहीं करना है एंड आपको अपने मेरिट पे बिलीव करना है। आपको मेरिट से एडमिशन लीजिए ताकि ऐसा माहौल क्रिएट ना हो। चलिए आते हैं पेपर में। इसमें देखिए बताया जा रहा है कि पीपीयू में स्पोर्ट नामांकन के लिए आज अंतिम मौका, इसमें क्लियरली सारा बात बताया गया। तो क्या कुछ बात बताया गया, चलिए आपको पढ़ के समझाते हैं। इसमें देखिए बताया जा रहा है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में कल यानी मंगलवार को 2276 नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई और पहले इसके पास जो सीट था 44,000 के आसपास था, यानी अब उसको कम होकर के 40,000 के आसपास हो गया एंड अभी इसके पास नामांकन टोटल 70,000 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है एंड इसके लिए जो आखिरी डेट है वह आज है एंड उम्मीद है कि डेट बढ़ेगी, चूंकि अभी सीट इसके पास 40,000 है, कल तक था 44,000 के आसपास, यानी एवरेज इसका रेट 2,000 एडमिशन पर डे हो रहा है। तो इस हिसाब से आज के कैलकुलेशंस को बता सकते हैं। तो आगे जो आने वाले एडमिशन हैं, अभी अगर आज फुल्ली एडमिशन का प्रोसेस चलता भी है तो 2,000 सीट फिलअप होंगे, इसका मतलब 38,000 सीट अभी भी खाली रहेगी, जिसके लिए डेट को एक्सटेंड करना ही पड़ेगा ताकि सारे जो एडमिशन का जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट किया जाए एंड हर एडमिशन पर सीट हो सके। अगर ऐसा नहीं होता है देन फिर ये 38,000 सीट खाली रह जाएगी, वैसे सिचुएशन को यूनिवर्सिटी क्रिएट करने के मूड में नहीं है। तो 100% कन्फर्म है कि जो एडमिशन का जो शेड्यूल है उसे बढ़ाया जाएगा एंड पीपीयू इसके रिगार्डिंग आज नोटिस ला सकती है। जैसे ही नोटिस आएगा हम आपके सामने नोटिस को एक्सप्लोर करेंगे, नोटिस में क्या सारा बात होगा हम आपको बताएंगे। तो वो तो प्रॉब्लम आपका नहीं, वो प्रॉब्लम हमारा है कि कब आपको किस तरीके से सबसे पहले अपडेट देना है। ओनली आपको चैनल से कनेक्टेड रहना है एंड कनेक्टेड रहने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि जब भी हमारे वीडियोज यूट्यूब पर अपलोड हो देन आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। उधर टीपीएस कॉलेज में कल कुछ क्या नोटिस आया था उसको एक्सप्लोर कर देते हैं, चूंकि उधर बीडी कॉलेज और आरकेडी कॉलेज का मैं कर चुका हूं, एक एक करके सारे कॉलेज पर कवर कर रहा हूं। तो टीपीएस कॉलेज में बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट का स्पोर्ट एडमिशन के मेरिट लिस्ट में नाम आया है वो ध्यान रखेंगे कि ऑनलाइन जब अपना एडमिशन लेते हैं पोर्टल पर जाकर के, तो आपको उसी सब्जेक्ट में अप्लाई करना है जिस सब्जेक्ट में आपका अलॉटमेंट हुआ, नहीं तो फिर आपका अलॉटमेंट रद्द हो जाएगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए जो मेरिट लिस्ट बना है उसमें आपको मिला है पोजीशन हिस्ट्री में, तो जब आप एडमिशन के पोर्टल पे जब सारा कंटेंट को फिलअप करते हैं तो वहाँ आता है ऑनर्स का सब्जेक्ट का सिलेक्शन एंड सब्सिडी सब्जेक्ट का सिलेक्शन, देन आपको ध्यान रखना है वहाँ पे आपका हिस्ट्री में ही आप सिलेक्शन कीजिएगा, ऐसा नहीं कि दूसरे चीज़ में सिलेक्शन कर लीजिएगा। दूसरा नोटिस है लॉगिन के बारे में कि जब आप एडमिशन पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के टाइम में क्या आपका यूजर आईडी एंड क्या आपका पासवर्ड है, चूंकि अभी जीडी वुमेंस कॉलेज में, बीडी कॉलेज में भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पेमेंट अभी नहीं हो पा रहा है, कारण है उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें कि टीपीएस कॉलेज जब आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के टाइम में रेफरेंस नंबर आपका यूजर आईडी का काम करता है, मीन्स 21G011 करके जो आईडी आपके पास है वो आपका रेफरेंस नंबर है, उसको फिलअप करेंगे एंड पासवर्ड मतलब आपको मोबाइल नंबर वहाँ मांगता है, तो वहाँ रियल में मोबाइल नंबर नहीं भरिएगा बल्कि 21G को छोड़ करके बाकी सारा कोड भर दीजिएगा। जैसे इस सिचुएशन में 21G0 करके जो बाद का जो 21G के बाद जो बाद का जो नंबर है उसी को टेक्स्ट कीजिएगा आप जो
कॉलम है मोबाइल नंबर वाला कॉलम उसमें, तो फिर आपका लॉगिन हो जाएगा। एंड लॉगिन करने के बाद जो सारे स्टेप्स उसको कंप्लीट कीजिए। स्टेप्स के बारे में बात करें छोटी सी, जो सारे स्टेप्स हैं उस स्टेप्स में आपका सबसे पहले आएगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, इसके बाद आपको एड्रेस भरने का, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इसके बाद सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, एंड इसके बाद पेमेंट करना है। पाँच स्टेप में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है एडमिशन का, तो एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान से भरिएगा। और जो TPS का जो मेरिट लिस्ट है, स्पोर्ट एडमिशन का जो मेरिट लिस्ट है, वो आपका साइंस का हो या फिर आर्ट्स का हो, ये सारे पेपर हमारी, ये जो सारे मेरिट लिस्ट है वो सारे हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ चुके हैं। तो अगर आपको देखना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ सारा अपडेट कनेक्टेड है। सो गाइस, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके लिए रिगार्डिंग स्पोर्ट एडमिशन ऑफ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी एंड मेरिट लिस्ट ऑफ TPS कॉलेज एंड सम बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ TPS कॉलेज। तो ये सारे कुछ फाइनली ये सारे अपडेट आपको समझ में आ गए होंगे। एंड इस वीडियो को फाइनली हम लोग एंड करते हैं, और इसमें जो भी सारा इन्फॉर्मेशन हो, अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी कन्फ्यूजन हो, तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे उसे कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।